ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं एक उम्मीदवार के टिकट कटने का दर्द। पटना में आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान होना था, जिसके लिए बकायदा प्रेस को बुलाया गया, लेकिन जैसे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ तो एक व्यक्ति वहां हंगामा करने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। इस व्यक्ति का नाम है अशोक गुप्ता और RLSP के टिकट की ये मांग कर रहा था। जैसे ही पार्टी ने 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसके बाद अशोक गुप्ता का दर्द छलक उठा और हंगामा करने लगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हो गया। RLSP अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर रही थी, टिकट नहीं मिलने से नाराज अशोक गुप्ता के नाम एक टिकट दावेदार ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ₹50,000 को नहीं देंगे, दूसरे जगह से उठा। अरे अभी तो सूची आई भाई, टाका पड़ गया ना टाका, हमरा बाल बचा दी। अरे सूची में नहीं है, अब आइए। अरे बाप, अरे बाप रे, अब रखे लूट लिया ना टाका। अरे सर आप सही बात है, तो सवाल लूट लिया। अब बाप रे, इस व्यक्ति ने टिकट कटने का दर्द जाहिर किया, कुछ इस तरीके से हंगामा हुआ। रोते रोते इन्होंने आरोप भी लगा दिया कि ₹50,000 देने के बावजूद इन्हें टिकट नहीं दिया गया।